जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं। तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों, क्या चल रहा है? आज तो टाइगर 3 चल रहा है और कल क्या चल रहा था? ऑब्वियसली इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का फर्स्ट सेमीफाइनल जो इंडिया ने जबरदस्त तरीके से जीता है, मतलब एक ऐतिहासिक जीत रही इसके लिए। और कल का मैच बहुत शानदार था, एक बार के लिए लगा कि यार एक तरफा जाएगा ये मैच, शायद श्रीलंका साउथ अफ्रीका की तरह जो 56 या फिर 79 में जो उनको ढेर किया था, ऑल आउट किया था, वैसा वाला मंजर देखने को लग रहा था जब पहले के 2 विकेट धड़ाधड़ उड़ाए गए थे। लेकिन भाई मजा आ गया। तो इतना जबरदस्त मैच क्यों रहा? क्योंकि भाई बदला जो लेना था पिछले साल का 2019 का, जब वो वर्ल्ड कप सीरीज में हमें न्यूजीलैंड ने बहुत ही बुरी तरीके से हराया था, और हमने इस बार इन्हें 2 बार बैक टू बैक एक लीग में और कल नॉकआउट में धज्जियाँ उड़ाई है, और जबरदस्त तरीके की धज्जियाँ उड़ाई है। तो कल और क्या चल रहा था भाई साहब, विराट कोहली ने 50वीं सेंचुरी कंप्लीट करी है अपने गुरु सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को बीट डाउन करके, और जबरदस्त मोमेंट था। तो इसके साथ नया और क्या हुआ भाई साहब, श्रेयस अय्यर ने भी सेंचुरी मारी है, विराट कोहली ने भी सेंचुरी मारी है। अगर शुभमन गिल को क्रैम्प्स नहीं आते तो वो भी सेंचुरी मार के जाता भाई साहब, ऐतिहासिक मैच हो जाता। मतलब वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में अपने तीनों यंगस्टर्स बैक टू बैक सेंचुरी मार कर जाते, लेकिन 2 सेंचुरी नाम हुई जबरदस्त, मतलब इसे कहेंगे ना विक्ट्री, फाड़ के विक्ट्री। तो भाई साहब कल तो कहीं से कहीं तक ना किसी को आव सूझ रहा था ना ताव, सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड कप सूझ रहा था। आज क्या है? आज है टाइगर 3। तो कल की भरपाई आज होगी क्या? जबरदस्त तरीके से होगी, क्योंकि आज रुझान बहुत अच्छी तरीके से देखने को मिल रहे हैं। तो 4थे दिन को कंप्लीट करके कल आज 5th डे पे एंट्री मार चुकी है। कल कैसी क्या कमाई रही है, पहले 3 दिन में कितनी कमाई हुई है, ओपनिंग कैसी रही है, आज कैसी कमाई कर रही है ये मूवी और कितनी कमाई कर सकती है, सभी चीज़ों पर एक एक करके बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को एक लाइक करना है, हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। कब? जब एक आध मिनट में आपको काम पसंद आ जाए तब। चलिए शुरू करते हैं। मतलब टाइगर 3 की ओपनिंग बहुत सॉलिड थी, 94 करोड़ से खाता खोला था पूरी दुनिया से कलेक्शन के मामले में, जबकि दिवाली का दिन था और उस दिन भी इंडिया का मैच चल रहा था, बावजूद इसके 100 करोड़ को स्लाइटली टच किया है इस मूवी ने, और जबरदस्त ओपनिंग रही है। तो पहले 3 दिन में इस मूवी ने कंप्लीट करे थे 144 करोड़ 50 लाख सिर्फ सिंगल लैंग्वेज हिंदी से, तमिल तेलुगु से 4 करोड़ आ चुका था, और टोटल नेट इंडियन कलेक्शन 148 करोड़ 50 लाख रुपए का हो चुका था। कब? पहले 3 दिन में ग्रॉस कलेक्शन हुआ था 180 करोड़ 50 लाख, और पूरी दुनिया से यह मूवी 240 करोड़ के मार्वलस आंकड़े को अपने खाते में रख चुकी थी पहले 3 दिन में ही, जो जबरदस्त एंट्री है। और फास्टेस्ट 3rd मूवी बनी है इस साल की पठान और जवान के बाद, जिसने सिंगल लैंग्वेज हिंदी से और नेट इंडिया से 100 करोड़ कंप्लीट करे थे मात्र 2 से 3 दिन के अंदर ही, और 4 दिन में ही यह मूवी 250 करोड़ के क्लब में एंट्री मार चुकी थी। बात करें कल का दिन कैसा रहा, मुद्दे की बात ये है भाई साहब, क्योंकि कल जबरदस्त मैच चल रहा था और जो सेमीफाइनल में धज्जियां उड़ाई है न्यूजीलैंड के इंडिया के प्लेयर्स ने, मतलब बैट्समैन ने तो ठोके ही ठोके, उसके बाद सामी ने तो जो कल सेमीफाइनल को सेमीफाइनल बनाया है, जबरदस्त बनाया है। तो कल आया है मूवी से नेट इंडिया से 25 करोड़, जिसमें सिर्फ हिंदी से 24 करोड़ आता दिख रहे हैं, ग्रॉस कलेक्शन लगभग में लगभग 28 करोड़, और ओवरसीज से 10 करोड़, और पूरी दुनिया से ये मूवी कल एंड ऑफ द डे तक स्लाइटली 40 करोड़ को टच कर रही है, लेकिन 37 से 38 करोड़ के बीच में इसका आंकड़ा आ रहा है। मुद्दे की बात पर आते हैं कि आज कैसी कलेक्शन कर रही है, क्या कल की भरपाई आज हो पा रही है, कल जो इसको ना मिल पाया वो आज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उस पर बात करेंगे। ऑक्यूपेंसी सही जा रही है, कल से 20% की बढ़ोतरी देखने को मिली है, मतलब जो कल ऑडियंस नहीं आ पाई थी वो आज बुकिंग चल रही है। ऑन द स्पॉट अच्छा बुकिंग चल रहा है, मतलब एडवांस से इतना अच्छा नहीं देखने को मिल रहा है, बट वॉकिंग ऑडियंस अपना रोल बहुत अच्छे से प्ले कर रही है। मूवी को बहुत अच्छे रिव्यू मिले हैं और मूवी दिलों पर राज भी कर रही है। तो आज का अगर मैं बताऊँ तो प्रॉपर वर्किंग डे भी है आज, इसके बावजूद एंड ऑफ द डे तक ये मूवी मे बी 26 से 28 करोड़ के बीच में कलेक्शन करते नजर आ रही है नेट इंडिया से, और पूरी दुनिया से ये मूवी आज 38 से
40 करोड़ के बीच में कवरअप कर रही है। तो आज एंड ऑफ द डे तक ये मूवी धड़ल्ले से 300 करोड़ के क्लब में एंट्री मार जाएगी और फास्टेस्ट थर्ड नंबर की मूवी बन जाएगी जो 300 करोड़ के क्लब में एंट्री मार जाएगी मात्र 5 दिन के अंदर ही, जो कि पिछली मूवी से सलमान खान को इतना ज़्यादा रेस्पॉन्स, हाई रेस्पॉन्स नहीं देखने को मिलता था। तो मूवी सॉलिड ग्रोथ कर रही है और ज़बरदस्त ग्रोथ कर रही है। आप लोगों ने भी इस मूवी को देख लिया तो नीचे कॉमेंट बॉक्स पर अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करके जाना। लाइफ टाइम कलेक्शन ये मूवी कितना कर सकती है, मतलब इतना सब कुछ ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं उसके बावजूद भी कल की रकम देखी जाए, कल नॉन हॉलीडे भी था, फ्लेक्सिबल हॉलीडे भी था और उस पर से मैचेस भी चल रहे थे, भाई दूज का हॉलीडे चल रहा था, फ्लेक्सिबल कहीं ना कहीं छुट्टी थी, उसके बाद भी ठीक ठाक कलेक्शन आते दिखा है। तो कैसे कलेक्शन कर सकते